व्यवसायी सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई में, वसई विरार में एस्टेट एजेंटों ने अपने दुकान ओनरों से यानी कि मालिकों से, दुकान मालिकों से व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वसई विरार में लगभग 8 से 10 हजार एस्टेट एजेंट हैं, जिनकी आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इन एस्टेट एजेंटों के बारे में न तो प्रशासन कुछ सोच रहा है, न सरकार और न ही उनके ओनर। आज इनको 4 महीने से दुकान बंद का भाड़ा देना पड़ रहा है, लाइट बिल देना पड़ रहा है, मेंटेनेंस देनी पड़ रही है और जो आदमी रखा है उसकी पगार भी देनी पड़ रही है। ऐसे में वह एस्टेट एजेंट अपना घर कैसे चलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आज एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन वसई विरार के पदाधिकारियों ने वसई सत्ता से बातचीत करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की और दुकान मालिकों से किराए में कुछ रियायत और किराया देने में कुछ समय की मांग के साथ साथ प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। आज हम यहाँ पे स्टेट एजेंट यूनियन की तरफ से, जो स्टेट एजेंट की यूनियन है, जो पिछले 10 साल से हमारी यूनियन चल रही है, तो इनके सारे पदाधिकारियों की तरफ से, सारे मेंबर्स की तरफ से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपने देखा कि पिछले 3-4 महीने से सारे ऑफिस बंद है और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेस खुली थी। यहाँ पे अगर शहरों में देखा जाए तो स्टेट एजेंट का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे शहर बसाने में, या फिर एक बेघर को, एक बेसहारा को घर देने में, या जो भी बाहर से आता है, यूपी बिहार से, दिल्ली से है, महाराष्ट्र के कई कोने से है या कोई भी राज्य से आता है, उसको घर देने का, उसका घर बसाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यहाँ पे स्टेट एजेंट करते आए हैं। आज उन्हीं स्टेट एजेंट के ऊपर पिछले 4 महीने से जो बड़ा संकट आया हुआ है वो बहुत ही बड़ा संकट है, जिसमें उनके घरदार नहीं चल रहे हैं, उनके बच्चे की वो फीस नहीं भर पा रहे हैं, कई सारे स्टेट एजेंट का रेशनिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बीमार हैं, उनको कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि रियल इस्टेट आपको पता है काफ़ी समय से रियल इस्टेट टूटा हुआ है, रियल इस्टेट खराब है। तो हम यहाँ पे आज कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा आता है कि जो 4 महीने से या 3.5-4 महीने से जो ऑफिस बंद है, ये ऑफिस का रेंट काफ़ी है। जैसे कि अगर आप फ्रंट पे आओ, मेन रोड पे आओ, तो 15-20 हजार का रेंट है। उनका ऑफिस का स्टाफ है, उनका लाइट बिल है, उनका मेंटेनेंस है, तो अगर पिछले 4 महीने से स्टेट एजेंट का ऑफिस अगर बंद है तो वो रेंट नहीं भर पा रहा है, वो स्टाफ को पगार नहीं दे पा रहा है, क्योंकि स्टेट एजेंट ऐसी एक कम्युनिटी है जो महीने के महीने चलती है, जिसका कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्ट नहीं होता है, जहाँ पे क्लाइंट आया, क्लाइंट से ब्रोकरेज लिया और वो सब अपना वो महीने का एक होता है ना कि एक फिक्स बजट होता है कि ये इतना रेंट देना है, इतना घर चलाना है, तो आज स्टेट एजेंट का घर चलना मुश्किल है। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि गवर्नमेंट ने कहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप भाड़ा मत लो, भाड़ा मत लो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो घर में रह रहे हैं उनका ही भाड़े मत लो। यहाँ पे 4 महीने से दुकानें बंद पड़ी है, तो मैं सारे ओनर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है, हमें पता है समय बहुत ही खराब है, तो उससे बड़ा समय जो खराब आया है वो स्टेट एजेंट के ऊपर आया है, तो कहीं से इनकम ना होने की वजह से भाड़े नहीं भर पा रहे हैं, तो आपने जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, उसके ऊपर चलकर अगले जो 4 महीने का जो रेंट है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे ओनरों से कि वो स्टेट एजेंट को हेल्प करके वो रेंट ना ले, या उसमें कोई कंसेशन दे, कोई भी तगादा ना लगाए स्टेट एजेंट के ऊपर कि हमको रेंट देना है, आप रेंट दो या ऑफिस खाली करो, क्योंकि आज सबसे बड़ा मार अगर लॉकडाउन को किसी को लगा है तो वो स्टेट एजेंट को। दूसरा मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि आपने काफ़ी, जैसे मैंने पहले कहा कि काफ़ी पैकेज आपने हर चीज़ को दिए, तो स्टेट एजेंट का क्या, ये असंगठित कामगार में ही आता है, असंगठित मतलब ये हर महीने के बजट वाले, तो इनके ऊपर भी सोचा जाए, इनको भी अगर पैकेज हो सके तो इनको पैकेज दें, जो काफ़ी सालों से स्टेट एजेंट है, पुराने स्टेट एजेंट है, जो इस शहर, इस शहर बसाने में जिन्होंने मदद की है, हमेशा टैक्स पे करता है, और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको जो सबसे ज़्यादा टैक्स आता है वो रियल इस्टेट से आता है। आज अगर कोई एक आदमी घर खरीदता है, मिनिमम 1-25 लाख का घर खरीदता है, तो वो 2-2.5 लाख रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ऐसा बड़ा टैक्स कलेक्शन का काम स्टेट एजेंट करता है। तो उसी हिसाब से अगर इतना टैक्स हम आपको इकट्ठा करके दे रहे हैं, हम आपकी तिजोरी में डाल रहे हैं,
तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि स्टेट एजेंट के बारे में सोचा जाए, स्थानीय प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि स्टेट एजेंट के बारे में सोचा जाए। और यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करके, या हमारे पास जो डेटा है वो डेटा कलेक्ट करके जितने भी राहत हो या जितना भी पैकेज हो वो स्टेट एजेंट को दिया जाए, क्योंकि ये शहरों में आपको ज़्यादा पैकेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहरों में काफ़ी सारे स्टेट एजेंट हैं, ज़्यादा संख्या नहीं है, तो आपको एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद थोड़ा एक ओनर लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ टाइम दे, रेंट देने के लिए कुछ टाइम दे, या फिर लाइट बिल के लिए टाइम दे, या फिर जो भी है। आज स्टेट एजेंट के पास पैसे नहीं है, आज स्टेट एजेंट इस लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार अगर किसको मिली है तो स्टेट एजेंट पर। और इसमें आगे का भी कुछ सफल नहीं दिख रहा, समय नहीं दिख रहा है। और अभी आज से ऑफिस चालू हुए हैं यहाँ पे, ऑड और इवन के सिस्टम पे वसई विरार में ऑफिस शुरू हुई है। तो ऑड इवन के तरफ मतलब हमको आज 15 दिन ही काम करने का मौका मिलेगा पूरे महीने में। तो अब दिक्कतें ये आएंगी कि स्टेट एजेंट जो है वो बिल्डर के फ्लैट बेचता है, या फिर वो सोसाइटियों में फ्लैट रेंट पे देता है, या रिसेल में फ्लैट बेचता है। तो अब जो दिक्कतें आ रही है कि काफ़ी सारे सोसाइटी जो है वो एंट्री नहीं दे रही है, कि हम मजबूर समझ सकते हैं, आज कोरोना का बहुत बड़ा खतरा है। पर अगर वो सेल्फ डिफेंस या जो भी है एक सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर डिफेंसिव अगर होते हैं, तो मैं अपने यूनियन की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूनियन का एक मेंबर आपके सोसाइटी में आएगा जिसके पास आई कार्ड होगा, उन सारे मेंबर्स को आप सोसाइटी में एंट्री दीजिए। वो चाहे तो अपना सर्टिफिकेट आपको दिखाएगा कि वो फिट है, जो आपके हर सोसाइटी के रूल्स और हर रेगुलेशन को फॉलो करेगा। तो मेरी सारी सोसाइटियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें आपकी सोसाइटी के अंदर एंट्री दे, क्योंकि आपके जो सोसाइटी के अंदर फ्लैट है उनको रेंट पे दे सके, आपके काफ़ी सारे मेंबर्स के जो फ्लैट बेचने हैं जो उनको प्रॉब्लम है वो फ्लैट आप बेच सके। तो मेरी ये सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें आपके सोसाइटी में एंट्री दें, हम उसकी पूरी सुरक्षा रखेंगे कि आपके सोसाइटी मेंबर्स को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, ये मैं यहाँ कहूँगा। बाकी की चीज़ें हमारे बाकी सारे मेंबर्स से आपसे बात करेंगे। सही विरार में कितने ऐसे लोग हैं, कितने एजेंट हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जिससे परेशान हैं? कितने नहीं, सारे के सारे परेशान। तो ये चीज़ ऐसी है ना, किसी कुछ लोगों को इफेक्ट है, कुछ लोगों को इफेक्ट ऐसा करके नहीं, इफेक्ट सारे लोग इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा सोसाइटी लेवल पर बात करता हूँ, सोसाइटी में इसमें एक मेरा सजेशन है, सोसाइटी को सजेशन ये है कि नॉर्मली अगर आप सेफ्टी दीजिए हमें, एजेंट्स को आप अलाउ करिए कि आपके सोसाइटी में जो फ्लैट वैकेंट है उस जो उसके ओनर हैं उनको हेल्प करिए, या फ्लैट सेल करना है, जब सेलिंग होगी तो उसमें लोग आएंगे शिफ्ट करने के लिए। आप एक काम करो कि 1 वीक या 10 डेज के लिए जो भी नया टेनेंट आ रहा है या नया शिफ्ट करने आ रहा है, तो आप 10 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन कर दो, कि चूंकि लोग कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डिफरेंट प्लेस से आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको रखने। आप 10 दिन के लिए या 10 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन कर दीजिए, बट सेफ्टी नहीं दोगे तो हमारी हालत तो खराब होगी, उन आपके वो मेंबर की भी हालत खराब होगी जिनका रेंट चालू होगा, जिनको जिनका इनकम वहीं से आता है, किसी को फ्लैट बेचना है अर्जेंसी है, उनको फ्लैट बेचने की उनको फंड की रिक्वायरमेंट है, वो बेच नहीं पाएंगे। तो ये पूरा एक साइकिल जो है ना डिस्टर्ब होता है। जहाँ तक एजेंट्स की बात है, अनिल ने बराबर सही कहा कि हमारे लिए कुछ भी गवर्नमेंट ने कभी कुछ बोला ही नहीं, सारे लोगों की पैकेज की बात, लोअर लेवल, अपर लेवल, हर किसी के लिए रियल स्टेट के बारे में कभी कुछ बात ही नहीं। और हम जो है ना इस मार्केट में अभी है, अगर हम फ्लैट बेचेंगे नहीं तो टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट के यहाँ पैसे नहीं जाएंगे, तो हमारा क्या, हमारे एजेंट्स का क्या, हमारे भी एक्सपेंसेस हैं, शॉप्स हैं, उनके रेंट है, स्टाफ की सैलरीज है, लाइट बिल है, कहीं से भी कुछ हमें कोई सुविधा नहीं दी गई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ध्यान दें, हमारे लिए कुछ चीज़ें पूरा कर सकते हैं। पता है कुछ चीज़ों के ऊपर रियल इस्टेट के बारे में, तो जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, तो हमारे वसई विरार स्ट्रीट एजेंट एसोसिएशन में करीब 450 मेंबर होंगे, और जो क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वसई विरार में, अगर यहाँ पे ऑफिस वाले स्ट्रीट एजेंटों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 4000 के आसपास होगी, और जो इस मतलब फील्ड से जो स्ट्रीट एजेंट के प्रोफेशन से ही अपना
रोजगार चला रहे हैं उनकी संख्या अगर देखा जाए वसई विरार में तो मेरे ख्याल से 8-10 हजार के करीब होगी जिनका जीवन इससे ही चल रहा है सर। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न आज हमको ऑफिस खुलते ही आ गया है कि हम जैसी ऑफिस आज चालू हुई हमारी वैसे ही लोगों के फोन आए कि भाई हमारा रेंट का क्या। ओनर ने भी हमें फोन किया, भारतीयों के भी आ रहे कि भाई ओनर से थोड़ा हमको सहूलियत दिए। तो बस मेरा इतना ही ओनर से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर आप ये चीज़ों को थोड़ा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि रेंट नहीं मिलेगा लेकिन थोड़े समय के लिए आप उनको सहूलियत दीजिए। कुछ दिनों के अंदर हमारी जब काम का जब अपनी लाइन पे आ जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें हम वो आगे आपको रेंट भी पे करेंगे। आपका जो रेंट बाकी है उसके लिए भी हम बढ़ोतरी को रिक्वेस्ट करके वो भी आपको दिलाएंगे। तो हम लोग का ये नहीं है क्योंकि क्या है अभी सोसाइटी में अगर हम लोग किसी को सेलिब्रेट कभी कभी कोई सोसाइटी बोलती है हम सेलिब्रेट को भी ये नहीं करते। हमारा ये रिक्वेस्ट है हम लोग का मदद करके जो भी है आप प्लीज हम लोग को जो गाइडलाइंस दे दो हम लोग भी उनसे फॉलो करेगा जैसे हमारे आने आनंद साहब ने बताया। बिकॉज अगर आज हम लोग 3-4 महीने से बंद रखे हमारे बाकी के भी जो जितने एजेंट भाई लोग हैं उनका घर का भी तो ये होना चाहिए। तो वी ऑल रिक्वेस्ट टू ऑल द सोसाइटी मेंबर्स टू द बीएमसी टू लुक इनटू दैट और गवर्नमेंट से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस मैटर के अंदर सिंसियरली देखते हैं हमारे एजेंट भाई लोग के लिए कुछ दिन तो कुछ तो रास्ता निकाल दें। क्योंकि पहले भी हमारा बिजनेस खराब था तो आगे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा कब तक बढ़ेगा ये कुछ मालूम नहीं। क्योंकि जो पोजीशन चल रही है इस समय पब्लिक काफ़ी हद तक बढ़ चली गई है और जो है क्योंकि ये जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ 4 महीने का लॉकडाउन हुआ इसमें काफ़ी लोग मतलब उनके पास कोई इनकम नहीं है इनके बहुत सारे जो है लोन के प्रॉब्लम आने वाले हैं। प्रॉब्लम इसलिए आने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों की सैलरी जो है बंद हो चुकी है। तो हमको तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि सैलरी जो बंद हो चुकी है तो बैंक लोन नहीं देगी जिसके 3 महीना क्योंकि अभी हमको और 3 महीना वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी 3 महीना सैलरी नहीं आएगी तब तक बैंक उनको लोन नहीं देगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये आएगी कि हमारा बिजनेस स्टार्ट होने में मतलब ठीक है आज गवर्नमेंट ने हमको स्टार्ट कर दिया लेकिन हमको ये नहीं लगता सर कि हमको आज से ही बिजनेस आना चाहते हैं। हम आज पहले दिन ही बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पहला हमारी ऑफिस उसको मेंटेन करना है, दूसरा इलेक्ट्रिक बिल है, तीसरा तमाम सारे फोन आ रहे हैं जो कि सर हमारा 4 महीने का भाड़ा नहीं आया है और ओनर बोल रहा है कि हमको भाड़ा चाहिए और रेंटर बोल रहा है सर मेरे पास पैसा नहीं मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं भाड़ा कहाँ से भरूँ। तो ये सब प्रॉब्लम है सर। तो मेरा बिजनेस जो है मेरा आपका बोलने का जो मतलब था कि हमारा बिजनेस कब तक तो सर पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। बिजनेस के बारे में हमको तो नहीं लगता कि इतने जल्दी हम अपने बिजनेस को कर पाएंगे कवर। हाँ ये है कि जरूर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि सहारा मिले लेकिन सर जो आप सोच रहे हैं कि नहीं अच्छे तरह बिजनेस हमारा हो वो नहीं हो पाएगा। तो जब बिजनेस नहीं हो पाएगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप? हाँ सर उसके लिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको गवर्नमेंट से यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए सब्सिडी कुछ मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो रेंट है ओनर की तरफ से भी हमारे को रेंट का कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे कि हम उतना और झेल पाए। अब 3-4 महीना तो हमने बहुत मेहनत किया है बहुत तकलीफ पेश करी है लेकिन अब 2-3 महीना और तकलीफ सहना पड़ेगा तो सहेंगे। लेकिन सर कैसा होता है कि हमको और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं किया आज हमारा सिर्फ बोलने का मतलब है कि इतने दिन में सबको कुछ न कुछ मिला लेकिन रियल इस्टेट को कुछ नहीं मिला। था रियल स्टेट का तो ऑलरेडी लॉकडाउन में तो खत्म हो चुका है। सेकेंड थिंग अभी तो बारिश आने वाली तो हम लोग के पास तो कंट्री आपको पता है बारिश में कोई बिजनेस नहीं है। तो इसके कारण से आखिर में जहाँ पर भी देखो तो खाली स्टेट एजेंट का ही प्रॉब्लम आ रहा है बाकी गवर्नमेंट हर एक के बारे में सोच रहा है लेकिन हम लोग यही दरखास्त करते हैं कि स्टेट एजेंट के बारे में प्लीज कंसिडर कितना जल्दी हो सके उतना क्योंकि हमारे स्टेट एजेंट के जितने बाकी के जो अपने जो भाई बंधु हैं उनके फैमिली चलाने की भी तकलीफ आ रही है केवल उनके ऑफिस के बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी क्या करना क्या नहीं है हम लोग का यही है प्रशासन से भी है और यहाँ के लोकल जितने भी कॉर्पोरेटर्स है जो अपने बीबीएमसी है उनसे हमारा यही गुजार है कि हम लोग स्टेट एजेंसी के बारे में प्लीज़ जितना भी हो सके उतना जल्दी सोच के
हम लोग के लिए कोई अच्छा देने क्या है, समझने क्या है। इस सत्ता के बहुत आभारी है, हम अपने एसोसिएशन की तरफ से वसई सत्ता का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमारी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये आशा भी करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ आगे आवाज उठाएंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि स्थिति बहुत गंभीर है, प्रशासन कुछ भी सोचे या ना सोचे, लेकिन इंसान को इंसान के लिए जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।